आगे बीच गया। मेरा तो एक ही मुद्दा था, नहर का मुद्दा था, रामपुर विधानसभा में जी, बेरोजगारी का मुद्दा था। क्या प्रतिसाद मिला आपको जनता का, जनता जनार्दन का? हाँ, जनता का मेरे को पूरा माने विश्वास मिला है जी। ये आपका विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था? हाँ, पहला चुनाव है मेरा। आप क्या महसूस कर रहे हैं, किससे आपका की प्रतिद्वंदिता थी? सीधा 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 बीजेपी से टक्कर थी मेरा जी। यहाँ राठिया वोटों की बात की जाती है, ध्रुवीकरण की बात की जाती है, ये सब अफवाह है मानी, ध्रुवीकरण कुछ नहीं हुआ है जी। समाज पूरा राठिया समाज सपोर्ट किए हैं जी। आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ आप पहुँचे और लोगों ने आपको अपनी क्या समस्याएं बताई चुनाव के दरमियान? क्योंकि माने बहुत जगह तो मैं पहुँच नहीं पाया समय के अभाव में जी। जनता जनार्दन ने क्या समस्याएं बताई आपको? जनता जनार्दन ने तो बहुत समस्या बताई, हाथी की समस्या बताई, बेरोजगारी की समस्या बताई, नहर पानी की समस्या बताई जी। वर्तमान में कांग्रेस के यहाँ विधायक थे श्यामलाल जी, उनका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों क्या भावना सामने आई लोगों की? हाँ, उनके माने भावना तो इस सामने ये आई, माने एक तो दौरा नहीं करते थे, निष्क्रिय विधायक थे जी, बस एक ही समय आया है जी। सर, ननकी राम जी इस बार बड़ी ही साहस और रणनीति के साथ इस बार चुनाव मैदान में थे। हाँ, आपने क्या महसूस किया उनका? मैं कुछ महसूस नहीं किया हूँ, माने वो तो माने पहले से भी माने करते थे जी, लेकिन जो भी इनका जो भी रणनीति थे सब पूरा फेल हो गए। अच्छा, आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप इस क्षेत्र के लिए क्या विकास के आयाम स्थापित करेंगे? मेरा पहली मुद्दा रहेगा नहर का, किसानों के लिए सिंचाई की मतलब व्यवस्था यहाँ नहीं हो पा रही है। हाँ, किसानों के लिए और भी कुछ बातें हैं जैसे उनकी कर्जा माफ़ी है। हाँ, तो माने की बात है इसमें कर्जा माफ़ी का, तो जो माने योगी जी ने घोषणा कर ही दिया है, माने हाईकोर्ट में शपथ लिए हैं जी, जितना भी अपना किसानों का कर्जा है पूरा माफ़ करेंगे। इस बार योगी जी 20 से 25 विधायकों के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं, तो असम सरकार कैसे बनेगी फूल सिंह जी? नहीं, सरकार तो माने किसी का समर्थन लेना पड़ेगा, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं।